सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए लोगों को राहत देने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए नियम के अनुसार अब जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी सहित कोई भी वैध प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि भी मान्य होगी। आपको बता दें कि पहले नियम था कि 1989 के बाद पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी था। इसके साथ ही नियमों में कई और बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें अब साधु संन्यासी, एकल माता या पिता वाले बच्चों के लिए पासपोर्ट पर माता या पिता या फिर कानूनी अभिभावक के नाम के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। वहीं साधु संन्यासियों को माता पिता की बजाय अपने गुरुओं के नाम लिखने की अनुमति प्रदान की जाएगी, लेकिन उन्हें कम से कम एक सरकारी कागजात सौंपना होगा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की ओर से घोषित नियमों में उन सरकारी नौकरशाहों के लिए भी प्रावधान किया गया है जो अपने संबंधित मंत्रालयों या विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सिंह ने कहा कि पासपोर्ट के मामले में प्रक्रिया को तेज करने, उदार बनाने और सरल बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें देश के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में आसानी हो सकेगी। तो पासपोर्ट के नए नियमों से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। पहले कड़े और ज़्यादा नियम होने की वजह से पासपोर्ट बनवाना काफ़ी मुश्किल भरा था, वहीं अब नए नियम के आने से अनाथ बच्चों के लिए पासपोर्ट बनवाना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखते रहिए डीपी लाइव।